हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। मैं आशा करती हूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारा ये न्यू वाला व्लॉग देख रहे होंगे। तो जी, अभी सुबह उठ गई थी मैं, मंदिर भी जा आई हूं और घर पे भी पूजा कर ली है। तो अभी पहले एक बार खाना की भी राधे राधे कर लो। आप बोल दो भाई सब लड्डू गोपाल जी को राधे राधे। पिंक वाली ड्रेस पहनी है आज खाना ने। ये वाली ड्रेस मैंने पिछली जन्माष्टमी पर बनाई थी खाना के लिए, जन्माष्टमी थी शायद, हाँ जन्माष्टमी पे ही बनाई थी ये वाले कान्हा जी और जो छोटे वाले कान्हा जी हैं जो श्रुतिर के घर पे हैं वो, और एक हमारी गली में है, इन दोनों से छोटे कान्हा जी, तीनों के लिए मैंने सेम ड्रेस बनाई थी पिछली जन्माष्टमी पे। तो आज ये वाली ड्रेस पहनी है कान्हा ने। और अभी पूजा करके ही उठी थी मैं थोड़ी देर पहले, टाइम हो गया है 9:30, मंदिर भी जा आई हूँ मैं। पहले हम पूजा कराए थे, फिर मेरा भाई गया था, मैं उसके साथ भी गई थी। तो अभी मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ शिव पुराण पढ़ना, तो मैं एक बार वो पढ़ लेती हूँ, बहुत लंबी है। तो मम्मी बोल रही थी कि डेली जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लो, तो मैं आज वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो गाइज़ एक बार मैं पढ़ लेती हूँ शिव पुराण कि क्या कुछ है उसमें, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हाँ जी गाइज़, शिव पुराण मैंने रख दिया है पढ़ के, थोड़ी पड़ी है, स्टार्ट भी नहीं हुई है। जो मेन शिव पुराण के खंड है वो तो स्टार्टिंग में 2 कथाएं दे रखी थी वो मैंने पढ़ ली हैं। उनमें शिव जी की यही बताया रखा था कि कैसे दोनों में अलग अलग स्टोरी थी, पर दोनों में यही था कि जो ब्राह्मण थे वो पहले एक ब्राह्मण के बारे में बताया गया है कि जो बहुत पाप करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहीं पे शिव पुराण की कथा सुनी और उन्होंने अपने पापों का एहसास हुआ, तब उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया और उन्हें अपनी गलती पता चली कि उनकी कहाँ गलती थी। तो शिव पुराण की कथा पढ़ने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, यही था। और सच में ये बात है कि जो शिव पुराण पढ़ता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं और पापों से भी छुटकारा मिलता है। तो आप सब लोग भी जरूर पढ़िए एक बार। तो अभी मैं बना लेती हूँ चाय और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं लग गई थी गाइस कुछ और काम में और ये देखो चाय मैंने निकाल दी है, तो मैं एक बार ये साफ कर लूँ, इसको कर देती हूँ गाइस मैं एक बार क्लीन और फिर मिलते हैं आपसे, चाय पी लेती हूँ मैं। और आज कुछ क्या व्लॉग में रहेगा, सब कुछ आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो चाय बना लाई थी गाइस मैं और मम्मी लगा हुआ है खाना का भोग, तो अब खाना पीने लग रही है चाय, और मेरा व्लॉग देख रही थी मम्मी पहले, तो अभी खाना का भोग लगा देते हैं और फिर हम भी चाय पी लेते हैं। पहले मैंने पूरा फैला दिया था, वो पूरा साफ करके आई हूँ अभी मैं ऊपर, तो एक बार खाना पी रहे चाय और मैं भी पी लेती हूँ गाइस, फिर मिलते हैं आपसे। ये छोटी तो मिल लो गाइस जी, इसके ड्रामे देखियो आप पूरे, क्यों कर ड्रामे कराए या मंदिर दौरे बैठ के ने, तो देख लो आप लोग में। और इसके जो फेस पे हो रखा है वो एलर्जी भी बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है माता निकल आई है, तो वो भी अब ठीक होने लग गई है, आराम है थोड़ा सा अब। तो अब इसके काम देखना गाइस आप। जय बाबा की। बाबा है अरे माता का है। जय माता की। जय माता की। के जी कोड मंदिर है? हैं मंदिर है। मंदिर है, मंदिर आला मंदिर है यो। ओ मुंह तो करन तो यानी आ जोड़ ले मार दे रुका। जय बाबा की। जय बाबा की। नो करनु। जय बाबा की। जय बाबा की। कर गा पूछा आप यो क्या का छोटा भाई, छोटा भाई की तरह दोरा पूरा कितने जी कुतरा छोटा भाई योरा। अच्छा डांस करके दिखा देंगे। नहीं शाबाश, तैयार है डांस करना तो। जय बाबा ही कर देख मैं। इधर कर, इधर इधर कर, यहाँ पे आके इधर मेरे पास आ। ईब कर पाई, कर पाई नो कर, ईब कर हाथ कर, करिए एक बार और। तो इस पर ना करिए। हाँ तो ही पैर रही हूँ। ए पाई कर, कर जल्दी बुआ की पारी कर। हाँ जी गाइस, तो दिन में सो गई थी मैं,
दिन में आप तो सुबह का आप लोग मैंने दिखाया था और फिर मैं सो गई थी, तो सो के उठी थी मैं लेट, 6 बज गए थे और श्रुति भी आ गई ट्यूशन पर, दाजे पे ब्याजा भीतर बाजी तो ये छत पे बैठे हैं गाइस मैं, और सम किया बना दिया है, आलू की सब्जी भी बना दी है फास्ट वाली, क्योंकि श्रुति का भी फास्ट होगा, मेरा भी सोमवार है ना, इसलिए मम्मी का भी और एक भाई का भी फास्ट, तो सब यही खाना खाएंगे। तो आ जा बाहर, आ जा वीडियो में कोई आकर आज ही बाहर आ जा बेबे, कौन आती गाइस या बाहर के बताओ भाई, तो अपना काम करा है इब, और के बताओ। तो शाम हो गई थी गाइस, और मैं लगाऊं खाना का भोग, ये सम किया बनाया है मैंने और साथ में लस्सी, तो मैं अब लगा रही हूँ खाना का भोग। खाना का भोग लगाने के बाद फिर हम भी खा लेंगे, पीछे श्रुति की थाली रखी है वो भी खाएगी, तो अभी सब खा लेते हैं खाना। तो यही था आज का व्लॉग, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, कल फिर मिलेंगे यहीं पे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, गुड नाइट और जय श्री राम लिख देना कमेंट में, राधे राधे भी लिख देना। तो करते हैं गाइज व्लॉग एंड यहीं पर, बाय बाय गाइज़।